वर्तमान में कश्मीर में जो हालात हैं उससे पूरा देश चिंतित है। जिस प्रकार से मुशर्रफ आलम की रिहाई के बाद से वहां का माहौल बना है वो चिंताजनक है। घाटी में माहौल को खराब करने की अलगाववादियों की साजिश है। वहां जिस प्रकार से पाकिस्तानी झंडे लहराए गए, भारत के झंडों को जलाया गया एवं भारत विरोधी व पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए गए, उसके पीछे गहरी साजिश है। जैसा कि समाचार पत्रों से खबर आ रही है कि मुशर्रफ आलम एवं अन्य के खिलाफ अभी तक राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज नहीं किया गया है, ये और भी चिंताजनक है। वहां पत्थरबाजी से के लिए छोटे बच्चों तक को उकसाया जा रहा है। आज तो मेरी सरकार से मांग है कि मुशर्रफ आलम जिनको की गिरफ्तार किया गया है उनको राष्ट्रद्रोह के मुकदमा दर्ज किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि आगे घाटी के अमन चैन को फिर से बिगड़ने की कोई जरूरत न कर सके। धन्यवाद।